नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने दी ईद उल अजहा की बधाई। बिहार में 3 विभागों के कर्मचारियों का हुआ तबादला। ये 4 ट्रेनें 1 माह तक रहेंगी रद्द। बिहार में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे ये शिक्षक। पाकिस्तान के ओपनर ने गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने दी ईद उल अजहा की बधाई। आज पूरे देश में ईद उल अजहा पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नमाजियों के द्वारा हल्की बारिश के बीच सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई। वहीं ईद उल अजहा पर्व पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सभी को बधाई दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा बधाई देते हुए कहा गया कि त्याग और बलिदान का प्रतीक यह पर्व हमें आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा के साथ रहने एवं लोगों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। मेरा विश्वास है कि यह त्यौहार सभी राज्यवासियों के लिए शांति और खुशियों का संदेश लेकर आएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता सुदृढ़ हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। वहीं सीएम नीतीश के द्वारा कहा गया कि ईद उल अजहा के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। इस त्यौहार को आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। आज जब हम इस त्यौहार को मना रहे हैं तो हमदर्दी, मेहरबानी और सदका की सबक ले, जो इस मुबारक दिन की अलामत है। ये पर्व आपको जिंदगियों में हर तरह की सलामती एवं खुशियां लाए तथा ये खुशियां बेशुमार बढ़ती रहे। खुदा हम सब पर रहमत अता करे और सभी को दुआ कबूल करे। ये 4 ट्रेनें 1 माह तक रहेंगी रद्द। वाराणसी स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग के काम को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की 2 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर उसकी अवधि को 1 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं जो 2 जोड़ी ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया था उसकी अवधि में भी विस्तार कर दिया गया है। बता दें कि जिन 2 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर उसकी अवधि में विस्तार किया गया है उनमें 14224 वाराणसी राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, 13343, 13345 वाराणसी शक्ति नगर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस और 13344, 13346 शक्ति नगर सिंगरौली वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 28 जुलाई तक रद्द रहेगी। तो वहीं 14223 राजगीर वाराणसी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस 29 जुलाई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा जिन 2 जोड़ी ट्रेनों का आंशिक समापन कर अवधि में विस्तार किया गया था उसमें 03298 पटना वाराणसी मेमू स्पेशल, 03289 वाराणसी पटना मेमू स्पेशल, 03359 बड़काकाना वाराणसी पैसेंजर स्पेशल और 03360 वाराणसी बड़काकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के नाम शामिल हैं। बिहार में 3 विभागों के कर्मचारियों का हुआ तबादला। बिहार में स्वास्थ्य विभाग, SC/ST विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा भी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा औषधीय निरीक्षकों सहित विभिन्न स्तर के निवासी पदाधिकारी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें 59 ड्रग इंस्पेक्टर और 16 असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है। वहीं विभाग के द्वारा 14 अन्य पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के 202 प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें आवेदन के आधार पर 37 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 15 अधिकारियों का तबादला किया गया है। G20 प्रोग्राम में बिहार के एजुकेशन सिस्टम की धूम। पुणे में आयोजित G20 कार्यक्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की थीम पर अपना स्टॉल लगाया गया था, जिसमें देश के 15 राज्यों के शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी दिलचस्पी दिखाई गई और इन प्रयोगों को अपने यहां अपनाने को कहा गया। बता दें कि इनमें चहक कार्यक्रम, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बैगलेस शनिवार और असेसमेंट के अनोखे प्रयोग शामिल है। बता दें कि जिन 15 राज्यों के द्वारा बिहार के स्कूलों में चल रही गतिविधियों में अपनी दिलचस्पी दिखाई गई है उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के द्वारा गतिविधियों को लागू करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संपर्क भी किया गया।
बिहार में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे ये शिक्षक। पंचायती राज एवं नगर विकास संस्था के तहत नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी अन्य जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के दोषी पाए गए हैं, वे बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापक पद के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। बता दें कि शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। मालूम हो कि इस संबंध में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था में नियुक्त हुए शिक्षकों को आवेदन देने की अंतिम तिथि के पहले नियुक्ति पत्राधिकार से अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी और विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होने की स्थिति में नियुक्ति के पहले संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अब अजगैबीनाथ धाम में हरिद्वार वाराणसी जैसे होगी गंगा आरती। इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर हरिद्वार और वाराणसी के तर्ज पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यह विशेष आरती सावन के हर सोमवार आयोजित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन में कुल 8 सोमवार हैं। ऐसे में अजगैबीनाथ धाम में हरिद्वार और वाराणसी के तर्ज पर विशेष गंगा आरती का आयोजन 8 बार किया जाएगा। मालूम हो कि महाआरती प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर के पास सीधी घाट पर होगी जो कि पूरे आधे घंटे चलेगी। इस महाआरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं को नाव से भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि अजगैबीनाथ धाम में गंगा आरती की खास व्यवस्था बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा की गई है। बिहार के बेटे बीके सिंह को मिली केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले आईपीएस विनोद कुमार सिंह को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें कि अब उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सीआरपीएफ का नया डीजी बना दिया गया है। वहीं से पहले वे यूपी में एडीजी सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। बता दें कि आईपीएस विनोद कुमार सिंह 1994 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनोद कुमार सिंह मूल रूप से यूपी कैडर के अधिकारी रहे हैं। वे यूपी के कई बड़े जिलों में बतौर एसपी अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा पहले वे तत्कालीन गृह मंत्री के साथ उनके ओएसडी भी रहे थे। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के भोजपुर जिले के आरा के एमपी बाग निवासी 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रॉ का चीफ नियुक्त किया गया था। स्वास्थ्य विभाग में 500 से अधिक तबादले हुए रद्द। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में तबादले के भार पैमाने में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है, जिस वजह से विभाग के 500 से अधिक तबादले को रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही एक जांच कमेटी भी गठित की गई है जो गड़बड़ियों का पता लगाएगी। वहीं यह जांच कमेटी स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई है। यह कमेटी गलत तरीकों से ट्रांसफर करने वालों पर कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि इन 500 से अधिक कर्मियों में एक्सरे टेक्नीशियन, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, लिपिक, फार्मासिस्ट समेत कई अन्य श्रेणी के कर्मी मौजूद थे। इसके साथ ही इन लोगों में प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक, सहायक औषधि निरीक्षक समेत अन्य पदों के कर्मी मौजूद रहे। मालूम हो कि तबादले को रद्द करने के लिए आदेश के एक दिन बाद ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक इतने हजार अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक कुल 55,000 अभ्यर्थियों के द्वारा पंजीयन कराया गया है, जिसमें से 36,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन कर दिया गया है। बता दें कि यह बात तब सामने आई जब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग से आवेदन से संबंधित जानकारी मांगी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1,78,000 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति के लिए 15 जून से आवेदन किए जा रहे हैं जो कि 12 जुलाई तक लिए जाएंगे। मालूम हो कि 36,000 अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए आवेदन में 2,000 से अधिक नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं। पटना एयरपोर्ट के आसपास खुले में मांस मछली बेचना पड़ेगा महंगा। अब पटना एयरपोर्ट के आसपास खुले में मांस मछली बेचना लोगों को महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा अधिकारियों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून से लोगों को अवगत कराया जा सके, इसके लिए जगह जगह नोटिस चिपकाने के साथ वॉल पेंटिंग बनाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि कुमार रवि के द्वारा एयरपोर्ट के सभाकक्ष में विमान पतन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और सुरक्षात्मक मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सुरक्षित एयर ट्रैफिक सुनिश्चित कराएं। राज्यपाल विश्वनाथ अलेरकर के गिरने से अधिकारियों में मचा हड़कंप। आज बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां वे पैर फिसलने से नीचे गिर गए, जिससे कि वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान आनन फानन में वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा राज्यपाल को उठाया गया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल अपनी गाड़ी से उतरकर हॉल में जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि तभी बिछाए गए कारपेट पर उनका पैर फिसल गया और वह दरवाजे के बाहर ही नीचे गिर गए। हालांकि इस दौरान राज्यपाल को चोट नहीं आई।
शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव पर भड़के पप्पू यादव। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हो रहे बदलाव से छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर अब जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के द्वारा भी शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में बाहर के लोगों को 10-20% तक का आरक्षण दिया जाए, जबकि प्रतिशत बिहार के लोगों को 80% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर के राज्यों में बिहार के लोगों को भारत के नागरिक की तरह नहीं देखा जाता, इन्हें बाहर के राज्यों में अहमियत नहीं दी जाती। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रशांत किशोर का जवाब। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर जारी किए गए नई नियमावली में हुए बदलाव को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को छोड़िए, आरजेडी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, पिछले 10 साल से बीपीएससी के द्वारा किए जा रहे कामों को समझा जाए तो यह बात निकल कर आता है कि 1 साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अगर सरकार की नियमावली को मान भी लिया जाए तो बीपीएससी को 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम 5 साल लगेगा और इन सब के अलावा नियोजित शिक्षकों के पास केवल 3 अवसर है, जिससे लोगों को सीधे सीधे मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर 4 लाख लोग भी 3 बार परीक्षा देने जाते हैं तो कुल 12 लाख होंगे, तो इनकी परीक्षा कौन लेगा? जब मूर्ख व्यक्ति को नेता या मंत्री बना देंगे तो वो यही काम करेगा। तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख नौकरी देने की बात उनके अज्ञान को दिखाता है। पाकिस्तान के ओपनर ने गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। आईपीएल 2023 में 1 मई को आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अब इस मसले पर पाकिस्तान के ओपनर अहमद शहजाद के द्वारा एक चौंकाने वाला बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि विराट गंभीर की लड़ाई पर कहा, मैंने जो देखा वो वास्तव में बड़ा दुखद था। मैं समझ सकता हूं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवन और विराट कोहली के बीच जो हुआ वह क्या था। उन्होंने इतनी कम उम्र में जो हासिल किया है गंभीर उसे अपने पूरे करियर में हासिल नहीं कर सके, लेकिन आप वास्तव में एक बड़े खिलाड़ी हैं या बड़े हैं, दस यह आपका इशारा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कभी भी प्रबंधन के किसी कर्मचारी को 2 खिलाड़ियों के बीच झगड़े में कूदते नहीं देखा है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपये और डीजल 94.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपये और डीजल 95.50 रुपये प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपये और डीजल की कीमत 94.71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की 108.31 रुपये और डीजल कीमत 95.04 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, कन्हैया कुमार, अनवर करीम खान, अहमद, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद अंसारी, अंशु प्रिया, मोहम्मद अफजल मंसूरी, कुमारी संजना, मुटुल रंगीला, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में हुए बदलाव पर आपकी क्या राय है? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।